पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल जख्मी हो गई। जी हां दोस्तों, आरोप है कि उन पर 4-5 लोगों ने हमला किया, उन्हें कुचलने की कोशिश की। हालत ऐसी हो गई कि नंदीग्राम से फौरन उन्हें कोलकाता पहुंचाया गया। खबरों के मुताबिक उन्हें गंभीर चोट आई है। ममता की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उनके बाएं पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद कहीं आगजनी हो रही है, कहीं समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। ये सारा गुस्सा, सारा बवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए है। कल वो नंदी ग्राम में जख्मी हो गई। इसे लेकर ममता ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर साजिश के तहत हमला हुआ, पैर कुचलने की कोशिश हुई। नंदीग्राम में हाई वोल्टेज चुनावी प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के आरोप बेहद संगीन है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमले की हिकमत हुई, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। महाशिवरात्रि पर ममता बनर्जी का नंदीग्राम में रहने का प्लान था, लेकिन बुधवार की शाम उनके जख्मी होने के बाद पूरा सीन बदल गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से कोलकाता के SSKM अस्पताल पहुंचाया गया। 6 डॉक्टरों की टीम बना दी गई। डॉक्टरों ने ममता का एक्सरे, न्यूरो और कई अन्य टेस्ट किए। पता चला कि उनके पैर में और पीठ के निचले हिस्से में चोट आई है। बाएं टखने में सूजन और दर्द की शिकायत भी है। इसकी वजह से डॉक्टरों ने ममता को पेन किलर भी दिया है। उनकी हालत को देखते हुए MRI भी कराया गया है। ममता के जख्मी होने के बाद जब उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो समर्थकों की भारी भीड़ लग गई। पार्थ चटर्जी समेत कई मंत्री भी मौके पर पहुंचे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता को देखने SSKM अस्पताल पहुंचे। इसे ममता पर हमला बताते हुए TMC कई गंभीर सवाल उठा रही है। ट्वीट कर पार्टी ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई है। इससे पहले ही किसानों के समर्थन में खड़ा होने पर उन पर हमला हुआ था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। वो आपकी सबसे मजबूत आवाज़ थी, हैं और हमेशा रहेंगी। ममता के आरोपों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से शुक्रवार तक रिपोर्ट मांग ली है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है।